मान क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप यू ऑल आर गुड। आज की वीडियो में मेरा कुछ ना स्ट्रीट फूड टाइप खाने का दिल कर रहा था। अच्छा वो पता है क्यों दिल कर रहा था? क्योंकि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रॉलिंग करती रहती हूँ और उसके ऊपर इंडियन ब्लॉगर्स हैं, पाकिस्तानी ब्लॉगर्स हैं, फूड ब्लॉगर्स जो कि स्ट्रीट फूड की इतनी सारी वीडियोज़ अपलोड कर देते हैं। तो फिर वो देख देख के अब लाइक यार मुझे भी खाना है, लेकिन मुझे समोसा नहीं खाना था, मुझे कुछ डिफरेंट ट्राई करना था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या ट्राई करूँ। फिर थोड़ी सी रिसर्च के बाद आई केम अक्रॉस दिस पोस्ट एंड आई वॉज लाइक वाओ, ये तो फेज 6 में है, तो ये तो मैं बहुत आराम से ट्राई कर सकती हूँ। तो आज मैं ट्राई करी हूँ मुंबई स्पेशल पाव, नहीं पाव बात नहीं, वड़ा पाव। यस, दिस इज़ कॉल्ड वड़ा पाव। अच्छा जी, इसके अंदर इन्होंने आलू की एक टिक्की ली है, आलू का मिक्सचर लिया है, उसके बॉल्स बनाए हैं और इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर दिया है। अब ये पता नहीं मैदे का मिक्सचर है या फिर ये बेसन का मिक्सचर होगा, और इसको जो है उन्होंने कर दिया है फ्राई। अच्छा, जब मैं छोटी होती थी ना तब इस तरह की स्ट्रीट फूड बहुत कॉमन होती थी। आलू की टिक्कियाँ हो गई और समोसे पकौड़े तो खैर अभी भी हैं, लेकिन आलू की टिक्कियाँ लोग बहुत शौक से खाते होते थे। लेकिन पता नहीं विद टाइम अब मुझे ये कहीं देखने को नहीं मिलती। हालाँकि ये एक बहुत ही टिपिकल रेसिपी है, टिपिकल मतलब आप आलू और उसके अंदर जो भी आपने डालना है डाल के, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद पोटैटोज। खैर इन टिक्कियाँ उन्होंने बना ली हुई हैं। अब बंस जो है ना उसको फॉर सम रीज़न वो स्टीम कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने इंडियन कोई वीडियो देखी थी उसके अंदर दे वर सेइंग कि इसको स्टीम करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन स्टीम की वजह से ना बंस बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब इनको स्टीम करने के बाद अब इसको जो ये खोल के और इसके अंदर सॉसेस वगैरह डाल रहे हैं, सॉसेस डाल के उसके अंदर उन्होंने जो टिक्की बनाई है वो ऐड कर देंगे। ऐसा मुझे लग रहा था कि ये बहुत छोटे होंगे, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे से होंगे, लेकिन इसका साइज़ जो है ना वो अच्छा खासा था। मतलब अगर आप एक खा लें ना तो अगर आप दो खा लें तो आपकी भूख जो है वो मिट जाएगी इन माई पर्सनल ओपिनियन। उसके ऊपर जो है वो इन्होंने सॉसेस ऐड कर दी हैं, ये मायनीज़ टाइप या ग्रीन चटनी वो ऐड कर दिया है। कॉन्स्टेंटली मेरे मुंह में पानी आ रहा है देख देख के। और उसके ऊपर उन्होंने ऐड कर दिया है केचप, ग्रीन चटनी की बहुत ही मज़े की थी, सारा फ्लेवर ग्रीन चटनी निकाल दिया है। और पाकिस्तानी जो है ना वो तो हर चीज़ के साथ हमें मिंट चटनी तो लाजमी चाहिए होती है। उसके बाद फिर इसके ऊपर इन्होंने ये एक बूंदी टाइप कुछ है आई गेस कि ये उसी को जो है वो फ्राई करके, जो वो मिक्सचर मैंने आपको दिखाया ना वाइट वाइट सा, उसी को फ्राई करके ये कुछ क्रिस्पी सा बन जाता है। तो उसके ऊपर इन्होंने थोड़ा थोड़ा वो ऐड कर दिया। अब इसको ये फोल्ड करके तो प्लेटिंग करेंगे इसकी, और ये दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। और ये इतनी सिंपल सी रेसिपी है, इतनी सिंपल से स्ट्रीट फूड है, मतलब कि ऑफ कोर्स देयर इज सम रीज़न कि ये इंडिया में इतनी फेमस है। इंडियन स्ट्रीट फूड में देख रही होती हूँ कि इज़ वेरी वास्ट, मतलब उनके पास इतनी ऑप्शंस हैं, इतनी ऑप्शंस हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारी जो स्ट्रीट फूड है ना वो थोड़ी लिमिटेड है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। ये वाली आलू वाली और ये दोनों चिकन वाली हैं। तो ये ऑथेंटिक इंडियन जो मुंबई से कहीं से जो वड़ा पाव है ना उसकी ये ऑथेंटिक रेसिपी है, और ये जो है ये दोनों चिकन वाली हैं। तो अभी मैं ट्राई करूँगी और देखूँगी कि ये कैसी है यार। इट्स वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है, और आई एम वेरी एक्साइटेड। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। मैं ये ट्राई करने लगी हूँ। अच्छा, ये खा के ना मुझे अपना बचपन याद आ गया, पता है क्यों? क्योंकि हम लोग जो है ना वो नान और टिक्की खाते होते थे, तो इसकी कुछ ना उस तरह की वाइब है। नान टिक्की और उसके अंदर थोड़ी सी नमको ऐड करके ना तो बहुत मज़ा आता होता था। इसकी बिल्कुल उस तरह की वाइब है, क्योंकि इसके अंदर बूंदी भी है, आलू की टिक्की है, और ये बन है जो कि बहुत सॉफ्ट है, तो वेरी नाइस। और खा के तो मुझे बचपन याद आ गया। यार मैंने सोचा था कि मैं ये तीनों खा लूँगी, लेकिन ये काफ़ी हैवी था वो वाला। तो अब मैं चिकन वाला ट्राई करने लगी हूँ, और चिकन वाला कुछ इस तरह का लगता है। ये बहुत ही क्रिस्पी सा इसके अंदर कुछ है, ये चिकन की पैटी है और साथ में कुछ सॉसेस हैं, और ये बहुत सॉफ्ट है यार, मतलब वेरी नाइस। अच्छा, इसको मैं ट्राई करूँगी अब। और अच्छा, ये खाने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि मुझे आलू वाली ज़्यादा मज़े की लग रही है। हालांकि मुझे आलू कोई ख़ास पसंद नहीं है, इवन मुझे आलू के पराठे भी इतने पसंद नहीं हैं,
लेकिन फिर भी वो जो आलू वाली थी ना, आलू वाला वड़ा पाव, वो ज़्यादा मज़े का था. ये वाला आई डोंट नो, मतलब ठीक है पर नॉट एज यम्मी एज द आलू वाला. अच्छा, एक आलू और एक चिकन वाला खाने के बाद आई वाज सो फुल, लेकिन इतना कोई मज़ा आया ना खा के. इट वाज समथिंग डिफरेंट एंड आई रियली रियली एंजॉयड. वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा. कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना. कुछ लोग वीडियोस देखते रहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ शेयर जो आपके माइंड में चल रहा होता है वो ज़रूर लिखा करें कमेंट्स में. मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.